अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आई एम हियर विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, द क्यू एंड ए काइंड ऑफ वीडियो। और इसमें आप लोगों को जो है मेरे बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है, बहुत सारे यू नो सीक्रेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो बिफोर आई स्टार्टेड द वीडियो, आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिले। सो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सो फ्यू डेज बैक, आई थिंक अ वीक बैक, मैंने एक क्वेश्चन आंसर स्टिकर लगाया था इन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो मैंने वहाँ पर बताया था कि आप लोगों को कुछ भी, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग अबाउट मी और यू नो यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग लाइक दैट, सो आप लोग यहाँ पर पूछे। एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर करूँगी। सो मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, सो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो बहुत सारे सिमिलर थे और कुछ यू नो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे जिनका जो इस यूट्यूब वीडियो के ऊपर कुछ मतलब यू नो उसका कोई खास मतलब नहीं बनता था। सो उसके आंसर्स मैंने उनके स्टोरीज पे दे दिए थे और कुछ मैंने उसमें से फिल्टर कर लिए थे और उनको बता दिया था कि इन सब के आंसर्स आपको जो है ना मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। सो मैंने कुछ वो फिल्टर करके रखे हुए हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले जो मैं बताती हूँ, सबसे पहले बात की जाती है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि आपने आपका मतलब यू नो नाम और एज और क्वालिफिकेशन और यू नो ये सारी चीज़ें। सो माय नेम इज़ दबीरा अवैस एंड आई एम 26 इयर्स ओल्ड और आई एम मैरिड। यस, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। 2019 में शादी हुई थी और नवंबर में, और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बारी आती है क्वालिफिकेशन की या मेरा प्रोफेशन क्या था। सो बिफोर शादी आई वॉज डूइंग 2 जॉब्स। एक जॉब थी विच वॉज मतलब आई एम अ प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं एक एज इंटीरियर डिज़ाइनर जॉब करती थी, प्लस आई वॉज एन आर्ट टीचर बिकॉज आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, आई लव टू शेयर माई स्किल्स ऑफ आर्ट्स विद द स्टूडेंट्स एंड विद द चाइल्ड्स। सो मैं ये 2 तरह के जॉब करती थी एट वन टाइम। अच्छा, उसके बाद हाउ मेनी सिबलिंग डू आई हैव, आई हैव 3 siblings। मुझे मिला के 4 बनते हैं, हम 3 बहनें हैं और 1 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ, और हम पहले 3 बहनें आती हैं और भाई सबसे छोटा है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद आता है व्हाट डू आई डू। व्हाट डू आई डू के अंदर यार फॉर नाउ, अगर शादी के बाद बात करें तो वो मैंने बता दिया है। फॉर नाउ आई एम अ हाउस वाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू बींग अ कॉन्टेंट क्रिएटर। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर। लाइक आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What's my reason to open a YouTube channel? अच्छा जी, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे, देखें क्वालिफिकेशन एज वगैरह वाले बहुत सारे थे तो मैंने उन सब का आंसर कंपाइल करके कर दिया। ये क्वेश्चन था कि मैंने YouTube चैनल क्यों ओपन किया। सो इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि आई वॉन्ट टू अर्न मनी और आई मतलब मुझे कोई ऐसा मसला था फाइनेंशियल इशूज़ या कुछ भी यू नो, बट मुझे बस एक इतना था कि क्योंकि बिफोर शादी आई वॉज अ वर्किंग वूमन और जो वर्किंग वूमन होते हैं उनसे फारिग नहीं बैठा जाता शादी के बाद, बट क्योंकि मुझे घर के कामों की आदत नहीं थी, सो मैं शादी के बाद घर के कामों पे फोकस करने कर तो लेती हूँ, बट फिर मेरा माइंड उधर स्टक रहता है कि मैं कुछ ना कुछ और करूँ, यू नो पहले काम वाला सीन था। सो फिर मैंने सोचा कि हम जो है ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और बेसिकली इट्स मतलब वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स जो कि मैं चाहती थी कि मुझे शायद शादी से पहले टाइम नहीं कभी मिला कि मैं ये चैनल बना सकूं। तो शादी के बाद आई हैव लॉट ऑफ टाइम, सो आई थॉट कि चलो लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और अपना एक शौक है वो पूरा करते हैं। सो ये बेसिकली मेरा शौक था, सो मैं उसको पूरा कर रही हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोन को मेरे लॉक लग गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्बैंड की एक अच्छी और एक बुरी आदत। ये क्वेश्चन मुझे 2-3 बार आया था, सो आई थॉट किसका भी आंसर करते हैं। मेरे हस्बैंड की एक अच्छी और एक बुरी आदत, पहले मैं बता दूं नाम वगैरह का भी आता है, मैं अक्सर नाम लेती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम शहजाद है और अच्छा उनकी एक अच्छी आदत कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और एक बुरी आदत, बुरी आदत
बुरी आदत ये के तंग बहुत करते हैं यू नो, एक बंदे की आदत होती है ना, मोस्टली लड़कों की आदत होती है, जैसे मेरे भाई की भी आदत है, सो मोस्टली लड़कों की आदत होती है, लेकिन ही रियली अनॉयज मी कि कभी कभी इतनी इतनी ज़्यादा मैं अनॉय हो जाती हूँ कि मेरी भी ना वी एंडेड अप टू फाइट, और इस तरह से सीन हो जाता है, बट बाकी सब सेट है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आई मैनेज हेट. अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन का आंसर करती हूँ. आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज थी, 100% अरेंज मैरिज थी, कोई लव वाला सीन नहीं था. अच्छा हाउ शुड, अच्छा तीन अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ आई मैनेज हेट ऑन सोशल मीडिया. सो ये बहुत सारे लोगों को आता होगा, हर उस बंदे को आता होगा जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करता है, और यू नो वो यूट्यूबर है या वो इंस्टाग्रामर है या वो कुछ भी है, उसकी कोई भी पब्लिक प्रोफाइल है, तो उसको हेट मिलता होगा. सो कुछ लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों में से किसी का मुझे आया था कि हाउ यू मैनेज द हेट, और हाउ यू मैनेज द हेटर्स, और हाउ यू रिस्पॉन्स टू द हेटर्स, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे. सो मैंने कहा कि चलो लेट्स आंसर दिस. सो बेसिकली ऐसा क्या, मतलब सीन क्या है कि हेट बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं है. मैंने एक चीज़ देखो, मुझे यूट्यूब का शौक था, और आई नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द यू नो दिस फील्ड और दिस सोशल मीडिया इंडस्ट्री, के यहाँ पर हर तरह का आपको बंदा मिलेगा, यहाँ पर आपको अच्छा भी बोला जाएगा और यहाँ पर आपको बुरा भी बोला जाएगा, यहाँ पे आपको गंदा भी बोला जाएगा, सब कुछ बोला जाएगा. आई वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट, क्योंकि मैं यूट्यूब बचपन से देख रही हूँ, और आई नो मैनी पीपल जिनको बहुत कुछ हेट मिलता है, हाँ जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी मिलती हैं और उनको उतना ही हेट भी मिलता है. यार देखो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जो है ना, मतलब पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे बुरे लोग भी हैं. मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती. मुझे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा हेट मिलना मिला, कहाँ से मिला कहाँ से नहीं मिला हम उस बारे में बात नहीं करते, बट हेट मिला. मुझे इंस्टाग्राम पे भी हेट मिलता है, बल्कि इंस्टाग्राम पे मुझे ज़्यादा मिलता होगा. सो आई डोंट केयर अबाउट दैट. मैंने एक बार अपनी स्टोरीज पे भी बात की थी कि आई डोंट इवन बोदर दैट कमेंट्स एंड दैट बैड कमेंट्स और दैट हेट, के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन के हम लोग इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, हम बैठ के जैसे मैं और मेरे बहन भाई, हम मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग बैठ के वी लिटरली लाफ एट दैट कमेंट्स. यार क्या लोग हैं, क्या सोच के आते हैं, यार आप अपने काम से काम रखो, क्यों आप लोग आकर यहाँ पे बोलते हो, और आपको लगता है कि आपकी इन बातों से किसी को कोई फ़र्क पड़ता होगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि तुमने देखो क्या पहना हुआ है, तुम क्या लग रही हो, तुमने अपने बाल देखे हैं, तुमने अपना चेहरा देखा है, तुमने अपना यू नो काफ़ी चीज़ें हैं, और फिर अज्यूम कर लेते हैं लोग कि अगर ये करी है किसी ने, इसने यूट्यूब चैनल खोला है, तो भाई इसको तो पैसों का बहुत यू नो बुहरान पड़ा हुआ है, बुरहान के बुहरान जो भी है पड़ा हुआ है, कि इसको तो पैसों की बहुत कमी है, ये तो पैसे कमाने के लिए कर रही है, या ये यू नो कहीं ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं. तो मैं बस ये बोलूँगी यार कि जियो और जीने दो. और हाँ मैं मैनेज किस तरह करती हूँ, मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. मैं क्यों जवाब दूँ, मैं जवाब एक दूंगी मुझे चार और बातें मिलेंगी, मैं क्यों दूँ जवाब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप लोग जो मर्जी बोल दे रहो, जो मर्जी जो कहता है, आई डोंट इवन बोदर. और मैं अक्सर हंसती हूँ, और बल्कि शहजाद को तो पता भी नहीं था कि मुझे अक्सर इस तरह के मतलब यू नो मैं तो ये कहूँगी फ़नी फ़नी कमेंट्स, मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं. एक दिन मैंने बताया शहजाद को, तो फिर उन्होंने नोट करना शुरू किया, तो फिर वो मुझे बता रहे थे देखो आज इस तरह का कमेंट आया, आज इस तरह का कमेंट. मैं कहा तो क्या करूँ, जिनका काम है, जो लोग बोलते हैं उन लोगों का काम है बोलना, लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो इस तरह मैं अपना जो ना हेट मैनेज करती हूँ. उसके बाद था हाउ शुड वी अर्न सिटिंग एट होम. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है, किसी एक ने मुझे किया था, सो मैंने कहा कि चलो लेट्स आंसर, अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाती है. जैसे कोई हाउस वाइफ है और वो जॉब नहीं कर सकती, और जैसे वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकती, जिस तरह से मैं हूँ, मैं फेस पे आके आप लोग फेस टू फेस बात करती हूँ, अगर आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते हो, तो आप लोग अपना कुकिंग का चैनल खोल सकते हैं, आप लोग कुछ इस तरह का चैनल खोल सकते हो जिसमें आपका फेस नजर ना आता हो. एक तो हो गई यूट्यूब की बात, दूसरी बात हो गई कि आप जो है ना टीचिंग कर सकते हो घर पे.
लाइक आप ट्यूशंस दे सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो, आप लोग आप ऑनलाइन काम कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी स्किल, जैसे किसी को ग्राफिक्स का काम आता है या किसी को यू नो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम आता है, तो यू कैन गिव योर ऑनलाइन सर्विसेज, तो आप लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट. और अगर इफ़ यू आर गुड एट लाइक यू नो गुड एट यानी मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें, तो यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग किस्म की सर्विसेज, जो आप दूसरों को मार्केटिंग प्रोवाइड करो, मार्केटिंग सर्विसेज दो. सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं आप. ऑनलाइन सर्च करो, हज़ारों चीज़ें हैं. फाइवर पे काम कर सकते हो आप, अपवर्क पे काम कर सकते हो आप. अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पर देखो आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप अपनी स्किल्स को सेल करो, सिंपल. लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो मैं चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ऑलरेडी इट्स 10 मिनट्स की वीडियो से क्रॉस कर गया मैं. सो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम दोबारा किसी दिन जो है इस तरह का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. अगर मुझे आप लोग चाहते हो कि कुछ और आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोगों नीचे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको. मुझे मोटिवेशन लिटरली बताऊँ, मुझे मेरे हेटर्स से मोटिवेशन मिलती है. जो लोग मुझे हेट देते हैं ना, मुझे वो ऐसा बूस्ट करता है कि यार ये बंदे ने मुझे कहा ना, इसको तो मैंने दिखाना है कि तुम जो मुझे समझते हो ना, मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ. तुम मेरे लेवल पे नहीं पहुँच सकते. जो मुझे आगे बुरे भले कमेंट्स बोलते हैं, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, मैं सिर्फ उन लोगों से मुझे ऐसा बूस्ट मिलता है ना, वो ही मेरी मोटिवेशन है. प्लस वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, वो लोग तो मेरी मोटिवेशन है ही. अगर यहाँ पर आगे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है ना, कुछ बुरी बातें, तो मुझे वहाँ पर उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार भी मिला है. और मैं सिर्फ उस प्यार को याद रखती हूँ, और मैं उस जो कहते हैं ना कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, मैं वो सारा हेट यहाँ से डालती हूँ और यहाँ से निकालती. कभी कभी यहाँ डलता भी नहीं है, ऊपर से गुजर जाता, कभी नहीं मैंने बॉदर किया. सो ये मेरी मोटिवेशन है, मेरे हेटर्स सबसे पहले, और जो मेरे मुझे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इन माई रियल लाइफ, लाइक मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, वो लोग तो हैं ही हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना उसके अलावा. ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही. काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, मैंने कोशिश की है बस फटाफट आंसर करूँ. सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरह की डिफरेंट वीडियोस बनाऊँ, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. मैं उन लोगों को जो है ना कर लूँगी, स्क्रीनशॉट ले लूँगी, और फिर कुछ टाइम बाद एक मज़ेदार सी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी बारे में, जिसमें कुछ और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे. सो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा लाइक कर दो, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दें. अल्लाह हाफिज़.